हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आपकी। बेटा, लास्ट क्लास में हमने लेकोपरेन मॉडल के बेसिक चीज़ों के बारे में बात करी थी कि कौन कौन से जीन वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आज की क्लास में, आज की वीडियो में हमें लेकोपरेन मॉडल को काफ़ी डिटेल से डील करना है, जो कि 12th CBSE क्लास और आपका नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा आज का टॉपिक, दैट इज़ लेकोपरेन मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं लेकोपरेन मॉडल। तो मैंने पहले भी बताया कि ये जो टॉपिक है लेकोपरेन मॉडल बेटा, वो 12th एग्जाम और आपके नीट एग्जाम के लिए काफी जरूरी टॉपिक है। इसकी जो बेसिक थे जीन वगैरह, वो हम कल के वीडियो में, कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से जीन थे। वो मैंने आपको चार मेन जीन बता दी थी। अब एक बार मैं आपको बेसिक बता देता हूँ इसका फिर से, कि जो ये मॉडल है, दैट इज डिस्कवर्ड बाय द जैकब एंड द मोनेड इन द ई कोलाई बैक्टीरिया। तो लेकोपरेन मॉडल मॉडल डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनेड इन ई कोलाई बैक्टीरिया। बेटा, ई कोलाई बैक्टीरिया में मिलते हैं लैक्टामिन के, बताए थे दैट इज द लैक्टोज, शुगर है, ठीक है। लैक्टामिन इज द लैक्टोज, जो एक शुगर है। कौन सी शुगर है? दैट इज द ओलिगोसैकेराइड शुगर, जो ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज की बनी हुई है। तो लैक्टामिन लैक्टोज, विच इज ओलिगोसैकेराइड, कंसिस्ट ऑफ द ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज। तो कौन सी शुगर हो गई? लैक्टोज इज द ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड शुगर है, ठीक है। बेटा, जो ये लेकोपरेन मॉडल है, दैट इज द कैटालिटिक प्रोसेस, यानी कि इसके अंदर चीजें क्या करेगी, टूटेगी। कैसे होगी वो देखते हैं अभी, कि जो लैक्टोज शुगर है वो ब्रेक डाउन होगी। लेकिन सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि जो लेकोपरेन है वो किस किस जीन के कम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है, वहां पर कौन कौन सी जीन इन्वॉल्व होंगी, वो चीज हम यहां पर देखने। तो देखो, जो लेकोपरेन है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ द बेटा, ये डीएनए है, डीएनए के सेगमेंट है। यहां पर एक जीन है, दैट इज द आर जीन, दैट इज द रिप्रेसर जीन, आर दैट इज द रिप्रेसर। दिस रिप्रेसर आल्सो नोन एज द आई जीन, दैट इज द इनहिबिटर जीन। रिप्रेस करना या इनहिबिट करना, यानी कि रोकना, तो बात तो एक ही हो गई, तो ये हो गया, ठीक है। उसके साथ में बेटा एक जीन है, दैट इज द पी जीन, दैट इज प्रमोटर जीन, ठीक है। उसके बाद में एक जीन है, दैट इज द ओ ऑपरेटर जीन, ठीक है। उसके बाद में फिर बताया था जेड वाई ए, बताया था या नहीं? बोलोगे नो सर, लेकिन यहां पर बताया था मैंने स्ट्रक्चरल जीन बताया था। तो दिस वन इज द स्ट्रक्चरल जीन। ये जेड वाई, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चरल जीन बनाते हैं। अब बेटा, मैंने आपको इन जीन का बेसिक बता दिए है सभी के, इनका क्या क्या होगा। अभी देखो, जो आर जीन है, जो रिप्रेसर जीन है, फिर जो इनहिबिटर जीन है बेटा, वो कंस्टिट्यूटिव जीन है। कंस्टिट्यूटिव जीन का मतलब ये लगातार काम करता रहता है। कंस्टिट्यूटिव का मीन लगातार काम करना, लगातार। तो आर जीन इज द रिप्रेसर जीन, दैट इज कंस्टिट्यूटिव इन नेचर, जो लगातार काम करता हुआ जाता है। पी दैट इज द प्रमोटर, ओ दैट इज द ऑपरेटर,
वो जेड वाई के हो गया बेटा, आपका स्ट्रक्चरल जीन हो गया। ठीक है, यहाँ पर कई बुक में आर्जिन के साथ एक जीन और रिप्रेजेंट कर रखे, दैट इज द पी जीन, दैट इज प्रोमोटर जीन। बेटा प्रोमोटर जीन किसके लिए होगा? ये सिर्फ और सिर्फ आई जीन के लिए होगा। क्यों होगा उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं ले देता हूँ। दिस प्रोमोटर जीन जीन ओनली फॉर आई जीन, ये जो जीन है प्रोमोटर रीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? आई जीन के लिए है। ठीक है, अब देखो होगा क्या। पहले बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद में हम एक एक करके चीजों को लिखेंगे। ये जो पूरा का पूरा आप डीएनए देख रहे हो, ये जो पूरा का पूरा आप ओपरेन की स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बेटा किसके अंदर है? बैक्टीरिया के अंदर है ना? किसके अंदर? ये बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का डीएनए। अब ये बैक्टीरिया कहां पे? मान लो एक कल्चर मीडिया में। किसके अंदर है? कल्चर मीडियम। मैं आपको एक छोटी सी कंडीशन दे देता हूं कि ये एक पेटी डिश है जिसके अंदर हमने कल्चर मीडिया डाला हुआ है। ठीक है, कल्चर मीडिया यानी कि न्यूट्रिएंट मीडिया डाला हुआ, उनका खाना डाला हुआ है, और यहाँ पर बेटा मैंने ई कोलाई बैक्टीरिया रख दिया। ठीक है, दिस वन इज द ई कोलाई बैक्टीरिया। अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो इसके न्यूट्रिएंट मीडिया में लैक्टोज हो या फिर लैक्टोज ना हो। ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो लैक्टोज प्रेजेंट हो या फिर क्या बेटा लैक्टोज अब्सेंट हो। ये दो कंडीशन हो सकती है। अगर ये दो कंडीशन है यहां पर, तो इस ओपरेन मॉडल की एक्टिविटी कैसे फ्लैक्चुएट करेगी, कैसे चेंज करेगी, वो हमें देखना है। देखो देखो, जो आरजीन है वो क्या करने लग रहा है भाई? जीन है तो इससे बनेगा एमआरएनए, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ध्यान देना छोटी छोटी चीजों पे, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इसका। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए। बेटा एमआरएनए बना, एमआरएनए बना, यहां पर राइबोसोम आके जुड़ा, तो मतलब अब इसका क्या होने लग रहा है? ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन हो रही थी बेटा, यहां पे प्रोटीन बनी है, और जो प्रोटीन बनी है दैट इज द रिप्रेसर प्रोटीन, दैट इज द रिप्रेसर प्रोटीन। एक प्रोटीन बनी है आरजीन से, जिसको हमने क्या बोल दिया है? रिप्रेसर प्रोटीन बोल दिया। अब वो प्रोटीन कैसे दिखाई दे रही है वो चीज देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रोटीन है वो कुछ आपको ऐसी दिखाई दे रही है, ऐसे मान लो, बट जरूर नहीं कि ऐसी होगी, लेकिन मैं आपको इजी वे में समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये रिप्रेसर प्रोटीन है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि ये जो बेटा प्रोटीन बनी है, आर प्रोटीन, जो ये रिप्रेसर प्रोटीन बनी है, दैट विल बाइंड ऑन द ऑपरेटर जीन। ये ऑपरेटर जीन के ऊपर बाइंड करेगा, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं कि पी जीन का काम क्या होगा। बेटा पी जीन के ऊपर एक एंजाइम बाइंड करता है, मैंने कल भी बताया था। पी जीन बाइंड द विच एंजाइम? दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। बेटा जो ये सर्कल लगाया मैंने, दिस वन इज द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज। और आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है भाई? ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। अगर मान लो यहां पर कुछ भी बाइंड ना हो, ध्यान देना भाई, मैं फिर से कह रहा हूं, छोटी छोटी चीजें स्लिप हो गई तो पूरा कॉन्सेप्ट साफ। मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, मैंने बस इतना बता दिया कि आर जीन से या आई जीन से एक प्रोटीन बनी है, दैट इज द रिप्रेसर प्रोटीन, या आर प्रोटीन जिसको आप बोलते हो, ये बनके तैयार हो चुकी है। ठीक है, पी के ऊपर बेटा एक एंजाइम बाइंड है, ऐसे दिखा देता हूं मैं। ये जो एंजाइम है दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या करता है? एमआरएनए बनाता है भाई, आगे की तरफ जाएगा, पास आउट होने लगेगा, ऐसे आगे की तरफ जाएगा। आगे की तरफ बेटा अगर ये जाएगा तो ये स्ट्रक्चर जीन को क्या करवाएगा? इसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा तो यहां पर क्या होगा? अगर आरएनए पॉलीमरेज आ गया तो यहां पर आ जाएगा एमआरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी। सॉरी, यहां पर एमआरएनए बन गया 5 प्राइम 3 प्राइम, एमआरएनए बन गया। ठीक है, यहां पर इसका भी ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, क्योंकि ये भी एक जीन है। ट्रांसक्रिप्शन किसने करवाया है? यहां पर
आरएनए पॉलीमरेज ने करवाया। अब शायद आपको इस पी साइट की भी वैल्यू समझ में आई होगी कि इसका भी काम क्या है, क्योंकि बेटा यहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड है जो इसका क्या करवा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है। क्लियर होगी ये चीज़। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन हो गई, एमआरएनए बन गया। अब बेटा इस एमआरएनए का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, अंडरगो द ट्रांसलेशन। यहां पर राइबोसोम बाइंड कर गए, ट्रांसलेशन हो गया। बेटा तब ट्रांसलेशन होगा तो यहां से तीन टाइप की प्रोटीन बनती है, ठीक है। यहां पर तीन टाइप की प्रोटीन बनेगी, या तीन प्रोटीन बनेगी जो तीन टाइप के एंजाइम की फॉर्मेशन करेगी। कौन कौन सी है तीन प्रोटीन, कौन कौन से तीन एंजाइम? पहली वाली से जो जेड है उससे बनेगा आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बेटा जो दूसरी है जो वाई से बनी है उससे आपके एंजाइम बनता है परमेज, ठीक है। और जो लास्ट वन है जो ए से बनी है उससे बनता आपका ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीन एंजाइम है, इनके फंक्शन मैं आपको बता देता हूं। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये लैक्टोज शुगर को तोड़ने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो लैक्टोज को तोड़ता है, जो लैक्टोज शुगर है उसको बेटा ये ब्रेक करवाता है। किसमें बताया था मैंने, ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज में, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो किसमें जाएगी, रेस्पिरेशन में काम आएगी। तो ये काम किसका हो गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, टू ब्रेक डाउन द लैक्टोज शुगर। परमेज क्या करता है, इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द लैक्टोज शुगर इनसाइड द सेल, यानी कि जो लैक्टोज है उसको सेल के अंदर आने के लिए हेल्पफुल है, उसकी परमेबिलिटी को बढ़ाता है। मैं अलग से इनके फंक्शन लिखूंगा, अदरवाइज ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा इधर। तो परमेज का काम हो गया इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द लैक्टोज शुगर इनसाइड द सेल। ट्रांस एसिटाइलेज का काम है कि बेटा जो टॉक्सिक सब्सटेंस आए हैं, लैक्टोज तब टूटेगी अंदर की तरफ आएगी, तो बाहर से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस अंदर की तरफ भी आएंगे। उन टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने में, एक्सक्रीट करने में कौन हेल्प करेगा, दैट इज द ट्रांस एसिटाइलेज हेल्प करेगा। तो ये तीन एंजाइम और तीनों एंजाइम के फंक्शन आपके सामने। ये कंडीशन कब है, तब सेल के अंदर क्या है, लैक्टोज शुगर है, ठीक है। ध्यान देना, ये तब है, ये पूरा प्रोसेस तब चल रहा है कि तब आरएनए पॉलीमरेज गया, ट्रांसक्रिप्शन करवाया, तीन एंजाइम बने, लैक्टोज को तोड़ दिया, तीनों काम करने लगा। ये कंडीशन कब है, तब लैक्टोज शुगर सेल में क्या है, प्रेजेंट है, तब कल्चर मीडिया में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मान लो लैक्टोज शुगर हो जाए खत्म, अभी लैक्टोज शुगर खत्म हो जाए तो क्या होगा भाई, अब देखो मेन चीज, लैक्टोज शुगर हो गई खत्म। अब खत्म होते क्या होगा कि जो हमारी आर प्रोटीन थी, जो आर प्रोटीन थी, दैट आर प्रोटीन विल बाइंड ऑन द ओ साइट, ऑपरेटर साइट के ऊपर जाके हमारी आर प्रोटीन बाइंड कर गई, आर प्रोटीन बाइंड कर गई। क्या ये आरएनए पॉलीमरेज अभी आगे की तरफ मूव करेगा, बोलो हाँ या ना भाई। ये मान लो ये अपना ओपरिन मॉडल है हाथ, ठीक है। ये जो साइट है दिस वन इज, जो ये वॉच है दिस वन इज द आर प्रोटीन, ये जो पेन है दिस वन इज द आरएनए पॉलीमरेज। क्या ये आगे की तरफ बाइंड कर पा रहा है, आगे की तरफ जाएगा, बोलो नहीं जा रहा है। क्या ये फिंगर काम कर पाएगा, नहीं, फिंगर क्लोज हो रही है, ये एंजाइम यहां पर आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये जो मेरी फिंगर है दिस वन इज द लैक्टोज शुगर, इस लैक्टोज शुगर ने इसको हटाया, अब ये चीज क्या हो गई, ओपन। अभी जो आरएनए पॉलीमरेज था इजिली क्रॉस करने लग रहा है, कहां पे गए, स्ट्रक्चर जीन पे, यहां पर जाते एक्टिवेट हो गए, इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, समझ में आया। तो अगर आर प्रोटीन बेटा यहां पर आ गई तो जो आरएनए पॉलीमरेज था वो आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ नहीं जाएगा। अगर आगे की तरफ नहीं गया, अगर आगे की तरफ नहीं गया तो बोलो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा,
अगर बेटा वहां पर आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं गया तो स्ट्रक्चरल जीन का क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज भाई वही तो करवाती है ट्रांसक्रिप्शन, और वो तो आ ही नहीं पा रही है, अवेलेबल है ही नहीं। ऑपरेटर जीन पर क्या बाइंड है यहाँ पर? आर प्रोटीन। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो क्या ट्रांसलेशन होगा? हाँ या ना? नहीं होगा। ये भी बंद। अगर बेटा ये बंद हो गया तो क्या ये एंजाइम बनेंगे? ना, इनका बनना भी बंद हो गया। नहीं बनेंगे। अब देखो इनके नहीं बनने का फायदा क्या है भाई? क्योंकि सेल में अब लैक्टोज तो है ही नहीं, क्या ये एंजाइम बनते रहते तो क्या कुछ फायदा होता? भाई नहीं होता। सेल हमारी जबरदस्ती का काम करती, एंजाइम बनते रहते, खाना है ही नहीं, तो बल्कि नुकसान ही होता। तो उस नुकसान को बचाने के लिए यहाँ पर आर प्रोटीन जाके बाइंड कर चुकी है, ठीक है? उसने एंजाइम को बनने से क्या कर दिया? रोक दिया। क्योंकि अब सेल के अंदर लैक्टोज शुगर तो है ही नहीं, तो इनकी फॉर्मेशन क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। तो ये हो गया एब्सेंस के अंदर, ठीक है? अब ये मान लो सेल में लैक्टोज शुगर आ गई, न्यूट्रिएंट मीडियम में डाली, लैक्टोज शुगर आ गई। अभी लैक्टोज शुगर क्या करेगी बेटा? ये जो लैक्टोज शुगर जो आई है वो लैक्टोज शुगर इस आर प्रोटीन के सामने बाइंड करेगी। ध्यान देना भी इधर भाई कि फिर से कैसे एक्टिवेट होगा। अभी सिस्टम है ऑफ, मैं ऑफ सिस्टम की बात कर रहा हूं, अभी पूरा सिस्टम ऑफ है। ना तो आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, ना ये जीन बनने लग रहे हैं, ना लैक्टोज छूट रहा है। पूरा सिस्टम क्या है? ऑफ कंडीशन में अभी, ठीक है? पहले मैंने आपको ऑन कंडीशन के बारे में बताया, अभी मैंने आपको ऑफ का बताया। फिर से कैसे ऑन होगा वो आपको मैं बता रहा हूं। अब बेटा ये फिर से कैसे ऑन होगा वो चीज देखो। लैक्टोज आ चुकी है सेल के अंदर, मान लो न्यूट्रिएंट मीडियम में, भाई फिर से लैक्टोज आ गया। लैक्टोज सेल के अंदर एंटर कर रही है, एक दो मॉलिक्यूल आ गए। अब वो जो लैक्टोज है वो जाके किसके साथ में बाइंड कर गई? आर प्रोटीन के साथ में। बेटा जैसे ही बाइंड करी तो इसकी जो कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर है, जो आर प्रोटीन थी, दिस वन इज द आर प्रोटीन, जिसको आप रिप्रेसर प्रोटीन भी बोलते हो, लैक्टोज बाइंड कर गई। अब बेटा लैक्टोज बाइंड करते ही इसकी जो बनावट है वो थोड़ी सी चेंज हो गई, ऐसे ऐसे हो गई। कंफर्मेशन स्ट्रक्चर गेट चेंज, दिस वन इज द एल, लैक्टोज है ना ये। अब इसकी चेंज हो गई। अब ये तो कंस्टिट्यूटिव जीन है जो लगातार बनता रहता है और जुड़ता रहता है, क्या ये इधर बाइंड हो पाएगा? अब भाई क्या ये बाइंड हो पाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो मतलब अभी ये साइट कैसी हो जाएगी बेटा? ओपन। हाँ, ये यहाँ पे बाइंड ही नहीं करेगी। बाइंड नहीं करेगी तो ओ साइट हमारी क्या हो जाएगी बेटा? फ्री। फ्री हो गई तो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर जाएगा? आगे। अब इनका क्या करवाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा तो ये जितने भी चीजें थी वो सारी की सारी क्या होगी? नॉर्मल वे में चलेगी। लास्ट में जाके हमारे पास में क्या जाएंगे? तीन एंजाइम, और वो फिर से पहले की तरह क्या करेंगे? काम करेंगे। तो वो सिस्टम फिर से कैसा हो गया? ऑफ से ऑन हो गया। बोलो, बेसिक चीज समझ में आई है नहीं आई भाई आपको? और यहां पर अगर आपने एक चीज ध्यान दियो तो जो एक एमआरएनए है उससे तीन प्रोटीन बनने लग रही है। तो मैं बोलूँ कि वन एमआरएनए रिप्रेजेंटिंग द थ्री जीन, तो ये मोनोसिस्टोनिक कंडीशन है फिर पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन? दैट इज पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। और तब हमने पढ़ा था मोनो और पॉलीसिस्टोनिक, तो पॉलीसिस्टोनिक में एग्जांपल क्या लिखा था हमने? दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में लिखा था। आई होप शायद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई ओपेरियन मॉडल कैसे ऑन हो रहा है, कैसे ऑफ हो रहा है। कोई भी डाउट है यहां तक तो बोलो, अदरवाइज फिर अब हम देखेंगे ऑन और ऑफ की कंडीशन के कैसे होता है। बेटा बेसिक समझने के बाद आ जाते हैं पहली कंडीशन, यानी कि तब लैक्टोज क्या है? अब्सेंट है। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन लैक्टोज इज अब्सेंट। अब लैक्टोज अगर अब्सेंट है तो सिस्टम बेटा ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? बोलो। सिस्टम विल बी ऑफ, तो मैं सिर्फ यहां पर ऑफ लिख रहा हूं, तो सिस्टम क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। डायग्राम कहो तो मैं एक बार फिर से बना सकता हूं, बोलो बनाऊं या नहीं?
अगर ऑफ वाली कंडीशन है तो बेटा यहां पर वही सिंपल सा डायग्राम आएगा जो आपने सबसे पहले बनाया था। यहां पर आर प्रोटीन या फिर आई प्रोटीन, यहां पर पी प्रमोटर, यहां पर आपका पी प्रमोटर, ओ ऑपरेटर, और यहां पर एक्स वाई, और यहां पर क्या जाएगा, सॉरी जेड वाई और ए, ये आप कह सकते जीना। अगर ऑफ कंडीशन है तो बेटा यहां पर नॉर्मली वही बनेगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए के साथ में राइबोसोम जुड़ेगा, यहां पर प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, दिस वन इज द आर प्रोटीन, दैट इज रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये किस पे जाके बाइंड करेगी, यहां पर जाके बाइंड कर देगी, ठीक है, यहां पे जाके अगर बाइंड कर रही है तो जो आरएनए पॉलीमरेज था वो आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ये इसका बेसिक डायग्राम ऑफ का, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये ऑफ कब होगा, क्या क्या कंडीशन होगी, वो मैं लिख रहा हूं ऑफ की कंडीशन। पहला पॉइंट, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट देन रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट देन रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विद विद ऑपरेटर, ऑपरेटर से बाइंड करेगी। अगर ऑपरेटर से बाइंड कर गई तो क्या आरएनए पॉलीमरेज उसको क्रॉस कर पाएगा? सो आरएनए पॉलीमरेज विल बी अनएबल टू क्रॉस द रिप्रेसर प्रोटीन। तो वो रिप्रेसर प्रोटीन को क्रॉस नहीं कर पाई, ठीक है, यानी कि वो ऑपरेटर को क्रॉस नहीं कर पाई, ऐसे भी लिख सकता हूं। उसके बाद में जो ट्रांसक्रिप्शन होना था किसका, स्ट्रक्चर जीन का, क्या वो होगा? सो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑफ स्ट्रक्चर जीन विल नॉट टेक प्लेस, नहीं होगा, ठीक है, एंड सिस्टम या फिर सिंथेसिस विल गेट ब्लॉक। तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या फिर ऑफ हो जाएगा। और ये कब कंडीशन है, तब सेल के अंदर लैक्टोज क्या है, अब्सेंट है, ठीक है। तो यहां पर जो सिस्टम है, जो स्विचिंग है, वो कैसे हो रही है, ऑफ हो रही है। तो यहां पर ये नेगेटिव कंट्रोल कहलाता है, नेगेटिव कंट्रोल बोल दो आप इसको, या फिर स्विचिंग ऑफ, स्विचिंग ऑफ, ठीक है, ऑफ ऑपरेन ऐसा भी बोल सकते हो। और किसके प्रोडक्ट से हो रहा है ये स्विच ऑफ, बाय द प्रोडक्ट ऑफ द आर जीन या फिर रेगुलेटर रिप्रेसर जीन, ठीक है, बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिप्रेसर जीन, रिप्रेसर जीन या फिर आई जीन इसको ब्लॉक करने का, उसका प्रोडक्ट बंद करने का। पहली कंडीशन क्लियर है, तो ये तो हो गई ऑफ वाली कंडीशन। अभी बेटा नेक्स्ट वन सिचुएशन आती है फॉर द ऑन, तब लैक्टोज प्रेजेंट हो जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा, कल्चर मीडियम में आ जाएगा, तो वो कैसे हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, व्हेन
लैक्टोज प्रेजेंट। तो बेटा सिस्टम क्या जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब आपको ऑन होने की कंडीशन पता है कि जैसे ही लैक्टोज आएगा तो बेटा वो किसके साथ बाइंड करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और उसकी कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। ठीक है, तो वेन वेन लैक्टोज कम या फिर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इट विल बाइंड विथ रिप्रेसर प्रोटीन। किसके साथ बाइंड करेगी, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में बाइंड करेगी एंड चेंज इट्स कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर। जो इसकी कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर है उसको क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा। ठीक है, इसकी जो कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर है वो क्या जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। यानी कि अब इसकी जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। मीन इट्स बाइंडिंग एफिशिएंसी गेट डिक्रीज, है ना, बाइंडिंग एफिशिएंसी क्या हो चुकी है, डिक्रीज कर चुकी है। तो यानी कि ये बाइंड नहीं करेगी, सो इट विल नॉट बाइंड ऑन ऑन कौन सी, ऑपरेटर, ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं करेगी। सो आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम पी साइट या फिर पी जीन विल पास ऑन स्ट्रक्चरल जीन एंड ट्रांसक्रिप्ट स्ट्रक्चर जीन। और बेटा जो स्ट्रक्चर जीन है उसको क्या कर देगी, ट्रांसक्रिप्ट कर देगी एंड मेक एंड प्रोडक्ट एंड मेक प्रोटीन या फिर थ्री एंजाइम्स या फिर तीन एंजाइम्स वो बना दे। ठीक है, तो यहां पर देखो सिस्टम कैसे था बेटा, ऑफ था। उस ऑफ को ऑन किसने करवाया, तुम बोल दे कि भाई लैक्टोज था, लैक्टोज, लैक्टोज को बेटा आप एलो लैक्टोज भी बोल सकते हो, आल्सो नोन एज द एलो लैक्टोज, आल्सो नोन एज द इंड्यूसर। इंड्यूसर क्यों बोल रहा है, इंड्यूसर का मतलब होता है बेटा पैदा करना या स्टार्ट करना। इसने बंद सिस्टम को क्या करवा दिया, स्टार्ट करवा दिया, तो इसलिए इंड्यूसर भी कहलाता है। एंड लैक ओपन मॉडल इन ऑन द इंड्यूसिबल मॉडल। ठीक है, तो दिस वन इन ऑन द लैक ओपन मॉडल इन ऑन द इंड्यूसिबल मॉडल। आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए लैक ओपन ना देके इंड्यूसिबल मॉडल दे देते हैं, तो बातें की रहेगी। इसके केस में लैक्टोज खुद अपने आप को एक्टिवेट करवाने लग रहा है। अब बेटा हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चरल जीन की बात करते हैं। कितने थे स्ट्रक्चरल जीन में, तीन एंजाइम बने थे, कौन कौन से। पहला बना था बीटा गैलेक्टोसाइडेस। बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या कर रहा था, हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ द लैक्टोज, हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज को तोड़ेगा बीटा के लैक्टोसाइडेस। मैंने आपको बताया था कि जो लैक्टोज है
वो ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा, और जो ग्लूकोज है वो किस में काम में आएगा, रेस्पिरेशन के अंदर काम में आ जाएगा। ठीक है बेटा, दूसरे एंजाइम कौन से हैं, दैट इज परमेज, नाम ही बता रहा है परमेज, जो परमेबिलिटी को बढ़ाए, तो इंक्रीज द अपटेक ऑफ द लैक्टोज, इंक्रीज द अपटेक ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की अपटेक या फिर परमेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज सेल के अंदर आने लगेगा। तीसरा कौन सा बेटा, ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज का काम क्या होगा कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। भाई जो टॉक्सिक सब्सटेंस, जो हार्मफुल टॉक्सिक लैक्टोज के साथ अंदर आए थे, उसको सेल से बाहर निकालने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, दोस टॉक्सिक विच कम इनसाइड द सेल विथ लैक्टोज इज रिमूव्ड बाय ट्रांस एसिटाइलेज इंजाइम। तो जो ट्रांस एसिटाइलेज इंजाइम है वो उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो ये हो गए यहां पर स्ट्रक्चर जीन के काम। क्या ये जीन लगातार काम करते हैं, नहीं, सिर्फ इनकी तब जरूरत होती है, तब सेल में लैक्टोज है तभी ये काम करते हैं, अदरवाइज ये काम नहीं करते हैं। बेटा बाकी का जो भी है इसमें वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स अभी इसमें बचे हुए हैं, तो आई होप शायद क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।